यहाँ पर इतने यूट्यूबर्स आए, सब लोगों ने अपनी अपनी जानकारी दी। ओह माय गॉड, अब मुझे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से पक्षी और पंछी, मतलब बर्ड्स, दे मस्ट बी रेस्टिंग नाउ एंड आई मस्ट कीप क्वाइट। Here comes the excitement. Today. भैया गर्मी के मारे हालत बैंड हो गई है, पर मैं आप लोग को एक सीक्रेट जगह लेके चलता हूँ जो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो देखें उसको ज़रूर, कि वो सीक्रेट जगह में हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं कुछ अमेजिंग बर्ड्स एंड फ्लेमिंगोस। सो मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ अभी इस तरफ, जो वही रोड थी, और हम यहाँ से एक शॉर्टकट ले लेते हैं। ये बैक एरिया है, पहले रोड में हम आए थे, अब आप देख रहे हैं ये सीमेंट वाली। सो सीमेंट वाली रोड से हम वापस जेट्टी की तरफ चलते हैं, वापस इस तरफ। नेचर का आनंद अपना अलग ही होता है। ये बरगद का झाड़ पता नहीं कितने साल पुराना होगा। कौवे भाई साहब, हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है। और ये आप लोग को जगह दिखानी थी कि ब्लू व्हेल्स की पूरी, ये उसके बॉडी पार्ट्स हैं जो मरीन डिपार्टमेंट ने यहाँ लाया है। ये पूरे ब्लू व्हेल्स के पार्ट हैं, ये देख रहे हैं आप, सिर और पार्ट्स के नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आप देखें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये उनकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं ब्लू व्हेल्स की, पार्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये नंबर्स लिखे हुए हैं 16, 26। ओह माय गॉड, और ये आई थिंक ये फिन का होगा कुछ मामला। सो ये ब्लू व्हेल्स के की ये हड्डियां हैं जो मरीन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर संभाल के रखा है, और ये आई थिंक दिस मस्ट बी यार सिर का पोर्शन दिख रहा है ये कुछ मामला। सो ये पूरे ब्लू व्हेल्स की हड्डियां हैं, दैट
they have sorted out. What are these? Blue whales, bones of blue whales. तो जो सीक्रेट जगह मैं आप लोग को ले जा रहा था दोस्तों, वो यहाँ से है। अब देखिए, ये शायद यही है। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ। जी हाँ, ये पत्थरों का जो एक मामला बना हुआ है इस तरीके से। I love wildlife photography and filming, so I like to explore every new place, you know. अब देखिए ये रास्ता कहाँ जा रहा है, देखते हैं। बहुत संभाल के चलिएगा आप अगर यहाँ आए तो। क्रीक व्यू, निसर्ग भ्रमण, पायावट, बोर्ड वॉक, क्रैब पाउंड एंड मैंग्रो नर्सरी। सो ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ से हमको अंदर जाना है। लेट्स गो इनसाइड। तो मैं अभी इस, ये देखिए बिल्कुल, ये सब देख लिया करिए आप, मैंग्रो नर्सरी है यहाँ पर। ये सब बना हुआ है मामला। सीरियोप्स टगल, किरकिरी किरकिरी कर दिया भाई, रिस्फोरा एपिक्यूलोटा। तो ये सब मामला है। और ये तो कमाल जगह है यार। हाँ, ये सही जगह पहुँचे अपन। अब अपन घुसे हैं असली मैंग्रोवर के बीच में। अब देख रहे हैं ये दोस्तों, ये किसी भी यूट्यूबर ने, यहाँ पर इतने यूट्यूबर्स आए, सब लोगों ने अपनी अपनी जानकारी दी। ओ माई गॉड, अब मुझे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से पक्षी और पंछी, मतलब बर्ड्स, दे मस्ट बी रेस्टिंग नाउ एंड आई मस्ट कीप क्वाइट। आई कांट स्पीक, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी वक्त कोई भी पंछी, हो सकता है खाना खा रहा हो या कोई दूसरा जानवर, मेरी आवाज़ सुनकर कहीं भाग ना जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इन मैंग्रोवर्स के बीच घूम रहा हूँ। बाहर से कैसे लगते हैं, बड़े अलग से लगते हैं, पर अंदर की दुनिया बहुत और भी रहस्यमयी है। वैसी ये देखिए पेड़, बच के निकलूँ। हाँ हाँ, पता चला सामने टकरा गए इससे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हो गया काम ख़त्म, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ। और हालत जो है धूप में हो गई बैंड। आई एम रियली एग्जॉस्टेड नाउ इन दिस काइंड ऑफ हीट। आई थिंक लिटिल बिट ऑफ डिहाइड्रेशन, फॉर दैट आई एम हाइड्रेटिंग माई सेल्फ विथ ORS। एंड गाइस, मज़ा आ रहा है यार, वाइल्ड लाइफ बर्डिंग फोटोग्राफी, दिस इज वॉट इज अमेजिंग, दिस प्लेस इज अमेजिंग। देखिए कमाल की जगह है।
क्या आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शहबाज बामने। मिस्टर शहबाज बामने हैं ये, और मज़ा आ गया इनके साथ राइड करने में। मुझे लगता है एक राइड और मारूँ मैं।